CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों, आदाब। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमनारा खां, NCERT न्यू दिल्ली। आज हम आपको आपकी दर्सी किताब अपनी जबान से दूसरा सबक पढ़ाएंगे, जिसका नाम है एक खत। एक खत से आपको मालूम हो गया होगा कि खत, अब खत का जमाना तो नहीं है, आजकल का जमाना तो ईमेल का जमाना है। और खत, बच्चों आप जानते हैं कि खत से हमारी आधी मुलाकात हो जाती है। आधी मुलाकात को कहते हैं खत। खत के जरिए हम दूर रहने वाले अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों को किसी अहम वाक्य या किसी खास बात या किसी खास कैफियत से वाकिफ कराते हैं। खत किताबत को तहरीरी गुफ्तगू भी कहा जाता है। तहरीर यानी लिखने वाली, लिखकर हम अपनी किसी बात का इजहार करते हैं, खैर खैरियत मालूम करते हैं। उसके बाद फिर अगर किसी की कोई खबर देनी है, किसी की शादी है, पहले जमाने में तो यही होता था कि भाई शादी की खबर है, फलां तारीख में है, आप जरूर आइएगा, हम यहाँ पे खैरियत से हैं, इस तरह से खत लिखा जाता था। और खत की खूबी ये होती है बच्चों कि इसमें बनावट नहीं होनी चाहिए, बनावट ना हो और ये मालूम हो कि गोया दो आदमी आमने सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ देखिए, दो आदमी आमने सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं या इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये मैंने जो जुमला कहा तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब जो हैं, उन्होंने भी अपने खतूत लिखे हैं। और उनके खतूत जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैंने वो तर्ज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है, यानी ख़त को मैंने मुकालमे की तरह के हम आपस में ऐसा लगता है कि जैसे हम आमने सामने बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो खत की खूबी मैंने क्या बताई कि इसमें बनावट ना हो, दूसरे ये ना हो कि दूसरे ये नहीं मालूम हो कि मुश्किल मुश्किल लफ्ज उसके अंदर लिखे जा रहे हैं, बल्कि ऐसे लिखने चाहिए जो सबकी समझ में आए, जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे। खत साफ सुथरा लिखना चाहिए, कटापटा नहीं होना चाहिए। अगर आप खत को इस तरह से लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी, और बात समझ में आनी चाहिए। आप जैसे आज ईमेल का जमाना है, हम जब टाइप करते हैं खत को तो अगर कहीं कोई एरर होती है, कोई गलती होती है तो उसको रिमूव करके लिख देते हैं। पहले खत जो है कलम से लिखे जाते थे, स्याही से लिखे जाते थे, फिर पेन से लिखे जाने लगे। तो इस तरह से जो खत लिखे जाएं, तो खत जो है वो साफ सुथरा लिखना चाहिए। आपने अपने अगर आपने अभी तक खत नहीं लिखा है तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो है अपने किसी दोस्त को ज़रूर खत लिखें। अब ये जो खत है, जैसे मैंने बताया कि उर्दू में बहुत गालिब के खतूत जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इसी तरह से और लोगों ने भी खतूत लिखे हैं। तो अब ये जो खत है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत अपनी बेटी इंदिरा के नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बारे में भी आप जानते हैं। तो उन्होंने ये उस ज़माने में लिखा था जब हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक चल रही थी और वो सेंट्रल जेल इलाहाबाद में थे, और ये ख़त उन्होंने लिखा था अक्टूबर 1930 में। तो आपने देखा कि ख़त को लिखते वक्त एक तरफ जो है वो उन्होंने सेंट्रल जेल इलाहाबाद अक्टूबर 1930 लिखा है, और उसके बाद उस ख़त में उन्होंने अपनी बेटी को क्या लिखा है, आइए इस ख़त को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर इस पर बातचीत करके बताते हैं कि इस खत में उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी इंदिरा को जो है मुखातिब किया है। तो पढ़ते हैं इस खत को। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि मैं नसीहत करूं, तो हमेशा उस अकलमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। तो देखा आपने,
इसमें जो शुरुआत की है प्यारी बेटी कहकर उनको मुखातिब किया है और कहा है कि तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर आपको जो है अपने तोहफे और नए ख्वाहिशात बेस्ट विशेज मिलती रहती हैं, अब भी कोई कमी नहीं है नए ख्वाहिशात की, तो लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ, जेल में है और जेल से कोई तोहफा नहीं भेज सकते। तो कहते हैं कि नए ख्वाहिशात का ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है, जेल की ऊंची दीवारें भी वो नए ख्वाहिशात को नहीं रोक सकती, इसलिए मैं ये खत आपको लिख रहा हूँ। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि तुम खूब जानती हो, अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है, नसीहत करना जो है अब हम किसी से ये कहें कि भाई सच बोलो और खुद झूठ बोलना है या ये मत करो वो मत करो तो ये क्या होती है, नसीहत करना जो है कोई भी नसीहत को मानता नहीं है। अगर आप पहले खुद करो उस काम को और फिर कहो तो वो जो है वो जो भी बच्चा है या जो भी आदमी है उसको देख के करेगा, लेकिन नसीहत जो है वो सही नहीं रहती। तो कहते हैं कि तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है, लेकिन कहते हैं कभी कभी मेरा दिल भी चाहता है कि मैं नसीहत करूं, तो हमेशा मुझे उस अकलमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी, शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। अब वो कहानी बयान करते हैं, कहानी क्या है वो पढ़ते हैं। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों कि उन्होंने खत जो है अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा और कैसे उन्होंने पहले एक तरफ जो है पता लिखा और उसके बाद फिर अपनी बेटी को मुखातिब जो किया वो प्यारी बेटी कह के किया और उसके बाद फिर उन खत को शुरू किया। शुरू करने के बाद अब वो कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं, खत के अंदर ही लिख रहे हैं, ये कहानी को जो है खत के अंदर लिख रहे हैं। तो खत में उन्होंने वो कहानी क्या लिखी है वो पढ़ते हैं। कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सैया इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया, उसका नाम ह्यून सॉन्ग था। वो शमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हजारों खतरों का मुकाबला किया। वह हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ है, उस शहर को अब पटना कहते हैं। इसमें देखिए इस पैराग्राफ में वो बताते हैं कि 1300 बरस गुजरे, ये उस खत जो लिखा गया 1930 में लिखा गया है, ये याद रहे बच्चों आपको, अक्टूबर 1930 में ये खत लिखा गया है और उस वक्त में 1300 बरस उन्होंने लिखे हैं कि कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सैयाह जो था, जो सैयाह उसे कहते हैं जो टूरिस्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, तो इल्म दानिश की तलाश में, यानी इल्म दानिश यानी इल्म हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आया था। और आप ये जानते हैं कदीम हिंदुस्तान में आपने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में बड़े दूर दराज से लोग जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आते थे, यहाँ पे नालंदा विद्यापीठ में जो है लोग आते थे। तो उसका नाम बताते हैं कि वो भी जिसका नाम ह्यून सॉन्ग था, वो भी एक सैयाह था, हिंदुस्तान आया, पहाड़ों रेगिस्तानों को तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। उसको इल्म का इतना शौक था, यानी पढ़ने का, तालीम का इतना शौक था कि रास्ते में उसने बहुत मुसीबतें उठाई और हजारों खतरों का मुकाबला किया। पहले जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो बच्चों पहले ज़माने में ये नहीं था कि हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज से या एक जगह या रेलगाड़ी से कहीं जो है वो सफ़र करके पहुँच जाते थे, बल्कि लोग पैदल सफ़र किया करते थे, बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे या समंदरी रास्ते से आते थे। तो इस तरह इसके भी बता रहे हैं कि वो पहाड़ों को रेगिस्तान को तय करता हुआ, क्योंकि देखिए इल्म की तलाश में आया था, यहाँ पे कुछ इल्म हासिल करना चाहता था, तो उसने बहुत मुसीबतें उठाई रास्ते में और हज़ारों खतरों का मुकाबला, यानी जंगल से भी गुजरा होगा तो जंगली जानवरों का और फिर मौसमी आफात आती हैं जैसे बारिश है तूफान है, इन सब से मुकाबला करता हुआ वो यहाँ पहुँचा। तो वो हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक रहा, बहुत सीखता रहा, खुद भी सीखा दूसरों को भी सिखाता रहा। उसका ज़्यादातर वक्त जो था नालंदा विद्यापीठ में गुजरा था जो शहर पाटलिपुत्र के करीब, पहले जो पटना अब इस शहर को कहते हैं, पहले इसका नाम पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। खत की ये चीज़ आपको ये बातें मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी। अब आगे जो पैराग्राफ है उसमें कहते हैं कि ह्यून सॉन्ग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, जब उसने पढ़ाई लिखाई कर ली तो वो काबिल हो गया तक उसको फाजिल-ए-क़ानून यानी बुद्ध मत का किताब उसको दिया गया। फिर उसने
सारे हिंदुस्तान का सफर किया, इस अजीम शान मुल्क के बाशिंदों को देखा भला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसके बाद उसने अपना सफरनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आ रही है, जो हिंसांग ने सफरनामे में लिखी है। आगे कहते हैं कि सारे जब वो यहाँ रहा, तालीम भी हासिल की, इल्म भी हासिल किया, खुद भी सीखा, दूसरों को भी सिखाते रहा और सारे हिंदुस्तान का सफर किया और यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के रहने वालों को उसने देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। अब सफरनामा किसे कहते हैं, यानी सफर के हालात तो वाकयात जो होते हैं वो सफरनामा कहलाते हैं। और पहले जमाने में वो सफरनामे लोग लिखा करते थे कि कहीं का सफर में जा रहे हैं तो डायरी लेके जाते थे, उसमें जो है जब सफर करते थे तो उन वाकयात को नो है नोट करते जाते थे कि कौन सी जगह पर है, क्या है और कहाँ पर है, हम कौन से मुल्क में पहुँचे, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, जंगलों का जिक्र है, तो उन सब वाकयात को वो उसमें नोट कर लिया करते थे। जब वाकयात नोट हो जाते थे तो उसके बाद फिर वो सफरनामा लिखते थे, सफ़र के वाकयात को लिखते थे। ये सफरनामा है, इसी किताब में वो कहानी शामिल है जो उस वक्त मुझे याद आ रही है। तो यह है कि एक शख्स का किस्सा है, एक शख्स है उसका किस्सा है कि जुनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया। जुनूबी हिंद तो आप जानते हैं साउथ की तरफ से शहर था करना सोना। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं है। तो ये बता रहे हैं कि ये शहर जो है बिहार भागलपुर के आसपास कहीं वाक़ है जुनूबी हिंद। ह्योनसांग ने सफरनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधे रहता, सर पर एक जलती हुई मशाल लगता था, हाथ में डंडा लिए अकड़ अकड़ कर चलता था और इस अजीबोगरीब अंदाज में इस शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो हर एक को जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूँ। तो जहालत का अंधेरों को वो कैसे मिटाने की कोशिश कर रहा है, अपने सर पर उसने मशाल ले रखी है और उसे मैं फिरता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं है कि मैं मेरे अंदर ज़्यादा इल्म और हिकमत मैं फट जाऊँ, इसलिए अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है बल्कि जहाँ भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। कितनी अच्छी बात कही है कि अक्ल जो होती है वो पेट में थोड़ी होती है, ये तो आप जानते ही है ना बच्चों। कहते हैं कि अगर मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद बनकर दूसरों को मशवरा दूंगा। यानी बहुत से लोग आपने देखे होंगे बच्चों के थोड़ा बहुत अगर उनको कुछ आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुरूर पैदा हो जाता है इल्म हिकमत का कि भाई मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर इतना इल्म है या मैं इतनी चीज़ें जानता हूँ, लोग जानते नहीं हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, जाहिल हैं, इस तरह की चीज़ जो इस तरह की सोच पैदा होती है वो सोच भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से क्या होता है, आपका जहन वसी होता है, पढ़ने से जहन वसी होता है। इल्म हिकमत जो होती है वो जो है जितना आप पढ़ते चले जाएंगे उतना ही जो है वो बढ़ती है। फिर कहते हैं दूसरों को मशवरा दूँ, तो दूसरों को मशवरा भी नहीं दे सकता, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। और इस बहस मुबाहसे से कभी कोई सच्चाई निकल आती है, यानी कोई भी चीज़ नहीं कि हम किसी पर थोपें, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी अपना अपना एक नज़रिया है, हम अपनी बात को अपने ढंग से कहते हैं, दूसरा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ढंग से उस बात को कहेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कोशिश करते हैं, वो ये नहीं कहते कि सही है ये गलत, ऐसा नहीं कहते, बल्कि क्या सही है और क्या गलत है उसको जानने की कोशिश करते हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर भी बहस मुबाहसे से कोई भी कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है, यानी इस पर भी हम बहस मुबाहसा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी पर हुक्म नहीं लगा सकते बल्कि बातचीत करके ही हम ये सोच सकते हैं या बात बता सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो ये बहसों मुबाहिसे के जरिए बातचीत करने से उसकी कोई ना कोई सच्चाई निकल ही आती है। लेकिन जो है झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर झूठ बोलता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए झूठ बोलने का कितना नुकसान है। एक झूठ को छिपाने के लिए 70 झूठ जो है वो बोलने पड़ते हैं और सच फिर भी होके रहता है। तो इसलिए सच्चाई जो है वो हमेशा रहती है, चाहे आप कितना ही झूठ बोलें, लेकिन एक दिन वो सच्चाई खुलकर सामने आती है। तो इससे मुतालिक अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे, तो कहानियाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें तजर्बे होते हैं, उसमें बताया जाता है कि किस तरह से कोई शख्स उसने झूठ बोला तो उसको कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से क्या हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वो जो बात है वो आपके जो वैल्यू है, जो अकदार है हमारी, जो कदरें हैं, वो आपके दिलो दिमाग में, आपके किरदार में उतर जाए। ना कि ये कि हम आपको ये कहते रहे कि झूठ मत बोलो या ये मत करो वो मत करो। तो बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर उनको पर जो है रोक टोक की जाती है या ज़्यादा नसीहत की जाती है तो वो उस नसीहत को मानने से इनकार कर देते हैं। एक आध बार नसीहत को सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद उस नसीहत उनको जो है वो घरा बार गुजरती है। तो बेहतर यही होता है कि आपसी बातचीत के जरिए इसका फैसला करना चाहिए। तो कहते हैं इसलिए मैं तुमको नसीहत नहीं करूँगा, आपको नसीहत नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ? उन्होंने कहा नसीहत नहीं करूँगा तो क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकता। खत में ये तो है कि भाई बात कर सकते हैं, आधी मुलाकात हो जाती है जैसे कि मैंने शुरू में कहा सबक के, और एक तरफा भी होता है, एक तरफ से ये आदमी लिख रहा है, दूसरा उसको पढ़ रहा है। तो कहते हैं खत एक तरफा होता है, इसलिए अगर मैं कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। वो कहते हैं कि अगर कोई बात ऐसी लगे कि मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ तो ऐसे में उसको कड़वी गोली तो जो होती है ना वैसे तो कहीं नहीं जाती, वो निगलनी ही पड़ती है, बल्कि अगर आपको सही लगे तो उसको मानो। वो ये कहते हैं कि मैं आपको मशवरे दे रहा हूँ, बस ये समझो मैं नसीहत नहीं कर रहा बल्कि मशवरा दे रहा हूँ, और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। फिर अब उनको एहसास होता है कि मैंने कुछ लंबा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। वो कहते हैं अभी बहुत सी मेरी बातें बाकी हैं, इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? खत में तो जरूरी जरूरी बातें जो हैं उनको लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा तफसील नहीं लिखी जाती, और दूसरे ये कि साफ़ सुथरा भी लिखना चाहिए और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए खत लिखते वक्त कि वो उस जुमले में कहा जा रहा है उसकी वजाहत बखूबी हो जाए। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है, और तुमको कभी किसी बात में शुबा हो और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। आखिर में वो कहते हैं कि खुदा हाफिज, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन, अपनी दुआ कह रहा है अपनी, कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो, एक बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। तो देखा ये खत हमने पढ़ा, तो इसमें जो है बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आए होंगे। अब हम इसके माने देखते हैं। नैनी जेल, इलाहाबाद की एक जेल है, उसका नाम है नैनी जेल। सैया के माने मैंने बताए थे, जगह जगह सैर करने वाला, मुल्कों घूमने वाला। इल्म, वाकफियत यानी मालूमात। दानिश, अक्ल, समझ। नालंदा विद्यापीठ, पुराने ज़माने की एक यूनिवर्सिटी जो पाटलिपुत्र पटना के करीब थी। पाटलिपुत्र मौजूदा नाम पटना का। फाजिल कानून, कानून को जानने वाला, माहिर कानून। बुद्ध मत, बुद्ध मजहब। अजीमुशान, बड़ी शान वाला, आला। सफरनामा, वो तहरीर जिसमें सफर के हालात बयान किए गए हों। शुबा, शक, अंदेशा, खतरा या डर। जहालत, न जानना, इल्म का ना होना, ना वाकफियत। तरस, रहम। मशाल, वो डंडा जिसके एक सिरे पर एक कपड़ा लपेट कर जलाया जाता है और उससे रोशनी की जाती है। इल्म, हिकमत, अक्लमंदी, दानिशमंदी। गुंजाइश, समाई या जगह, महदूद, हद के अंदर या तंग। बहसो मुबाहिसा, बहसो तकरार। जद्दोजहद, सख्त कोशिश। तो देखा ये सब अल्फाज जो हैं इस खत में आए हैं और उसके मायने मैंने आपको बताए। अब ये है कि पंडित नेहरू ने ये खत किसके नाम और कहाँ से लिखा, कुछ अब ये
सवालात हैं, आप उसको सोचिए और लिखिए। पहले बता दिया है था ये उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने नसीहत करने का क्या तरीका अख्तियार किया, क्या तरीका अख्तियार किया, उन्होंने कहानी बयान की और कहानी बयान करके फिर उनको नसीहत करने का तरीका जो है वो बताया। चीनी सैया का नाम क्या था, ह्यून सॉन्ग। चीनी सैया हिंदुस्तान क्यों आया था, ये भी मालूम है कि चीनी सैया हिंदुस्तान इल्म दानिश की तलाश में, इल्म हिकमत की तलाश में आया था। तो उसको चीनी सैया को इल्म हासिल करने के लिए किन किन हालात से गुजरना पड़ा, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र करते थे, तो वो रेगिस्तानों पहाड़ों को अबूर करता हुआ हिंदुस्तान पहुँचा। हिंदुस्तान में चीनी सैया का वक्त ज़्यादातर कहाँ बीता, नालंदा विद्यापीठ में उसका वक्त ज़्यादातर गुजरा। ह्यून सॉन्ग ने अपने सफ़रनामे शख्स को अजीब गरीब क्यों कहा है, अब अजीब गरीब ही था वो, शख्स को अजीब गरीब इसलिए कहा सफ़रनामे में अपने सफ़र का जो उसने रुदात लिखी है, जो वाक़या लिखे हैं, सफ़र के जो किस्से लिखे हैं उसमें उस शख्स के बारे में अजीब गरीब इसलिए कहा है क्योंकि वो शख्स, उसको इतना गुमान था, अपने पेट पर उसने तख्तियाँ बांध रखी थी और वो ये कहता था कि मेरे अंदर इतना इल्म हिकमत भरा पड़ा है कि अगर मैं ये तख्तियाँ ना बांधूँ तो उससे क्या होगा, पेट फट जाएगा। इस वाक़े का जिक्र करते पंडित नेहरू अपनी बेटी को क्या सबक देना चाहते हैं, क्या सबक देना चाहते हैं बच्चों, आपकी समझ में आ गया, वो यही सबक देना चाहते हैं कि हमेशा कोई भी काम हो उसको सोच समझ कर करिए, सोचिए समझिए और सोच विचार कीजिए। अगर आप उस पर कोई फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने घर में किसी से मशवरा कीजिए। अब इसमें खाली जगह है। चीन का एक सैया इल्म की तलाश में हिंदुस्तान आया, इसकी तलाश में आया, इल्म की तलाश में। उस वो पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, कौन, ह्यून सॉन्ग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। इसी तरह से यह है कि यह शख्स अपने पेट के चारों तरफ क्या बांधे रहता था, तांबे की तख्तियां बांधे रहता था। सर पे क्या लिए घूमता था, एक मशाल लिए फिरता था। वो कहते हैं अपने मुल्क की आज़ादी की क्या देख रही हो तुम, जद्दोजहद देख रही हो। अब नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं जो कि बेतरतीब हैं, जिसमें मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजूं, और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। मुल्क चीन से एक सैया इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया, तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। उसका ज़्यादा वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। ह्यून सॉन्ग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, ये बेतरतीब है, अब इनको हम तरतीब से लिखते हैं। तो सबसे पहला जुमला तो यही आ जाएगा, मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजूं। उसके बाद मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, जो कहानी इसके अंदर जिस शख्स का, अक्लमंद आदमी का जो किस्सा बयान कर रहे हैं, तो उसमें वो आदमी कहता है ना कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है और मैं तांबे की तख्तियाँ पेट पे बांधे रखता हूँ ताकि मेरा पेट फट ना जाए, सर पे मशाल लिए घूमता हूँ। उससे पहले बल्कि आ जाएगा, मुल्क चीन से एक सैया इल्म दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया, उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो विद्यापीठ में गुजरा जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ है। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान में रहा, जगह जगह घूमा हिंदुस्तान में, तो उसने अपना सफ़रनामा लिखा, वो पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। तो इस तरह फिर आखिरी है कि मेरी अक्ल तो महदूद है, मैं कैसे अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। कि फला शख्स, उसने बड़ा जैसे किसी का नाम लिखे कि उसने, उस आदमी ने या उस शख्स ने अपना इसने नाम लिख दिया उसके अंदर कि जैसे शाहिद ने अपना बड़ा बुरा हुलिया बना रखा है, वो जो है हर वक्त खेलता रहता है, वो कोई वो घर में बैठकर जो है वो पढ़ाई नहीं करता, तो इसमें शाहिद जो है वो इस्म हो गया और वो जो है वो हमारा ज़मीर हो गया। हमने बार बार शाहिद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इस्म के बदले बोला जाता है वो ज़मीर कहलाता है। तो इस्म और ज़मीर ये हमने जो है इसके अंदर किया। अब इसमें किसी काम का करना या होना, तो इसमें जो है वो असलम किताब पढ़ा है, उसने एक किताब पढ़ रहा है, उसकी बहन खाना पका रही है, उसकी अम्मी खाना खा रही हैं, तो इसमें खाना खा रही हैं
ये हमारा फेल हो गया, पढ़ रहा है ये हमारा फेल हो गया, और असलम जो है वो इसमें यानी फाइल जो काम कर रहा है, फेल फाइल और मफूल इस पे काम हो रहा है वो मफूल हो गया, यानी पढ़ना सोना खाना ये सब हमारे काम है। बच्चों आप घर में रहकर ये कार्ड बना सकते हैं चार्ट की मदद से, और उस कार्ड पर वाही जमा मुतादाद अल्फाज और दूसरी चीज़ें लिखकर एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। तो आज के इस ख़त में हमने जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा था, तो इस ख़त को पढ़ा, और ये भी जाना कि पहले ज़माने में ख़त कैसे जो है वो लिखा जाता था। आज जो है ईमेल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आजकल जो है ख़त वो मेल के ज़रिए भेजे जाते हैं, लेकिन पहले जो है बाकायदा ख़त लिखे जाते थे, डाकखाने जाते थे, डाकखाने से फिर जहाँ कहीं जाना होता था वहाँ पर वो डाके उन ख़त को पहुँचाया करते थे, तो पूरा सिस्टम था। तो इस तरह से हमने आज के इसमें ये भी जाना कि ख़त को मकतूब भी कहते हैं, और जो ख़त लिखने उसका ताल्लुक भी दो लोगों से होता है, दूसरा एक ख़त लिखने वाला मकतूब निगार कहलाता है और जिससे ख़त लिखा जाता है मकतूब ले कहलाता है। तो इसी तरह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो मकतूब निगार हैं यानी ख़त लिखने वाले हैं, और मकतूब ले उनकी बेटी इंदिरा है। तो आज के इस सबक में आपने ख़त तो पढ़ाई और ख़त के लिखने के अंदाज़ को देखा, लेकिन ख़त के अंदर जो कहानी दी गई है उसमें भी एक नसीहत पोशीदा है, वो यही है कि आप लोग कोई भी काम करें वो सोच समझ कर करें। और दूसरी चीज़ ये कि नसीहत किसी को एकदम सीधे तौर पे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं नसीहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो हिंद सॉन्ग जब हिंदुस्तान आया था तो उसने सफ़रनामा लिखा, उस सफ़रनामे में वो शामिल है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उस सफ़रनामे को पढ़ोगी, उस सफ़र में जो कहानी थी उस कहानी को उन्होंने इसमें बयान किया है। तो आप लोग भी अगर कहीं जाते हैं किसी सफ़र पर, अब जाएंगे जब लॉकडाउन, जब हमारे ये कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लोग आप लोग कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो वहाँ के हालात और वाक़यात को उस ख़त के अंदर लिखेंगे। तो इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।